तो भाई और बहनों ये है हमारा प्यारा सा घर, और इधर देखो लकड़ियां वगैरह रखी गई हैं। ठंडियों में ना बहुत ज्यादा यूज होता है लकड़ियां, जिस पर चूल्हे से खाना बनाया जाता है। और भाई लोग देखो ये वाला टीवी यार, ये तो मैं दिखाना भूल ही जा रहा था, ये रहा बाहर का सीन। और देखो दोस्तों ये हमारे छत पर जाने का रास्ता। भाई और बहनों स्वागत आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अपना पूरा घर दिखाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको अपना गेमिंग सेटअप दिखाया था जो कि यही झोपड़ी है, और हमने अपना पूरा घर कभी नहीं दिखाया आपको। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपना पूरा घर दिखाने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है आपको घर के अंदर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो रहे, तो प्लीज यार माफ कर देना भाई लोग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई और बहनों ये है हमारा प्यारा सा घर। घर के एक साइड में तूत का पेड़ है और एक साइड में अमरूद का पेड़ है, जो कि भाई गर्मियों में बहुत ही मजा आता है यार। और देखो ये वाले झोपड़ी में ना मैं सोता हूँ, झोपड़ी बोलो या घर बोलो जो भी बोलो। और ये है घर के बाहर का नजारा। तो अभी हम आपको घर के अंदर का सीन दिखाते हैं। और ये राइट साइड में धान वगैरह रखा है, तो अभी हम घर के अंदर ही लगभग पहुंच चुके हैं। तो ये रहा घर के अंदर का व्यू, जो कि दिखने में भाई आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। और देखो छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं, जिसमें कुछ सामान वगैरह रखे जाते हैं जो मतलब रखने लायक होते हैं और रख दिया जाता है। और देखो ऊपर जो ये है ना काला काला दिख रहा है ना, और भाई देखो जो ये खाना बनाया जाता है ना, ये देखो नीचे जो चूल है ना, इससे जो धुआं निकलता है ना, इस जगह ऊपर चिपक जाता है यार, इसलिए ये काला काला दिखाई देता है यार। तो अभी हमने यहाँ का सीन आपको दिखा दिया, अभी हम आपको घर का थोड़ा और अंदर का सीन दिखाते हैं, मतलब ये लगभग बाहर का सीन है। तो अभी हम घर के थोड़ा अंदर पहुंच चुके हैं और सामने गैस और चूल्हा। हम लोग दोस्तों इस पर भी खाना बनाते हैं, और लकड़ी से जिस चूल्हे पर खाना बनता है ना उस पर ही हम लोग खाना बनाते हैं। तो देखो घर के अंदर का लुक कुछ इस तरह है। बाएं साइड में देखो कपड़े वगैरह टांगे गए हैं, और ये रहा शीशा जिसमें हम अपने बाल वगैरह डालते हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और ये रहा टाड़ा, देखो इसे हम लोग टाड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और देखो सामने कपड़े वगैरह रखे गए हैं, तो मतलब बांस का है तो उस पर हम लोग रखे हैं। और इधर देखो कील ठोका गया है, मतलब ये कपड़ा रखने का एक स्थान है जो भी बोलो। तो देखो इधर से कुछ इस तरह दिख रहा है, इधर हम एकदम पीछे आ गए हैं, तो इधर से आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो अभी हम घर के थोड़ा और अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा और नजारा दिखाते हैं अपने घर का। तो चलो घर के अंदर चलते हैं। और भाई लोग देखो ये रहा दरवाजा हमारे घर के अंदर जाने का। और दोस्तों आप लोगों को पता है ये जो दरवाजा है ना, अगर इसके नीचे सिर नहीं करोगे ना तो आपका सिर लड़ जाएगा। मतलब हमारा घर लगभग 30 साल से भी ज्यादा पुराना है ना, तो पुराने मॉडल का घर है, तो मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। और ये रहा घर के अंदर का सीन, इधर भी कपड़े वगैरह रखे हैं, जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े हैं यार, क्या ही बोलूं मैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा घर, और इधर देखो हमारी प्यारी सी भांजी मतलब देख रही शीशा वगैरह। और इधर देखो ढेर सारी किताबें कॉपी रखी गई है, लगभग 11th और 12th की मेरी किताबें और कॉपियां हैं। और ऊपर देवी माता का स्थान है जहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और इधर देखो गंगा जल है भाई लोग, इसको मैं बनारस गया था ना टूर पर एक बार क्लास 10th में, तो मैं लाया था यार। और इधर देखो लकड़ियां वगैरह रखी गई हैं, तो गर्मियों में ज्यादातर लकड़ियां नहीं यूज होती, लेकिन ठंडियों में ना बहुत ज्यादा यूज होता है लकड़ियां, जिस पर चूल्हे से खाना बनाया जाता है। और भाई लोग देखो ये वाला टीवी यार, ये तो मैं दिखाना भूल ही जा रहा था। और देखो ये वाला टीवी ना बहुत ज्यादा पुराना है यार, ये वाला टीवी बहुत से कम लोगों के पास होगा। तो अभी तो फिलहाल में लोग बड़ा बड़ा टीवी लेते हैं, हमारे पास तो यही है। और इधर देखो बोर्ड वगैरह जिससे चार्ज वगैरह किया जाता है। और इधर देखो ये छोटा सा टूल है, और इस पर मतलब सामान वगैरह रखा गया है, ये ठंडियों का वो है क्या बोलते हैं गद्दा या रजाई कुछ ऐसे बोलते हैं। और ये रहा लास्ट वाला रूम, तो इधर देखो, इधर देखो इसको क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा में मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे डेहरी बोलते हैं, ये जो तीनों दिख रहे हैं लोहे के। तो इधर भी देखो वो क्या बोलते हैं पेटी वगैरह रखा गया है। और ये देखो ये जो ये ना मिट्टी का है, इसको क्या बोलूँ मैं हिंदी में मुझे पता नहीं उसे, लेकिन डेहरी हम लोग बोलते हैं यार। तो आप लोग समझ जाना भाई लोग, इसमें कुछ सामान वगैरह रखा जाता है, और ऊपर का लुक कुछ इस तरह है। तो अभी हमने यहाँ का आपको सीन दिखा दिया, अभी यार आपको ना बाहर का लुक दिखाते हैं। और उससे पहले देखो ये रहा बेड वगैरह, तो अभी हम चलते हैं आपको बाहर का सीन दिखाते हैं। चलो दोस्तों हम आपको बाहर का सीन दिखाते हैं, ये रहा बाहर का सीन। और देखो दोस्तों ये हमारे छत पर जाने का रास्ता, हम थोड़ा और आगे से आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ से साफ नहीं दिख रहा होगा ना। तो ये रहा छत पर जाने का रास्ता, ये रहा हम लोगों का सीढ़ी, तो इसके ऊपर चले के हाँ चलो इसके ऊपर चलते हैं और चारों तरफ का लुक दिखाते हैं। तो चलो इसके ऊपर चलते हैं। तो अभी हम छत के ऊपर पहुंच चुके हैं, और देखो इधर गेहूं रखा गया है, इसको सूखने के लिए रखा है मम्मी ने, तो इसको जाना है पिसाने, अभी शाम को लेकर चला जाऊंगा। तो ये रहा बाहर का लुक। तो छत के ऊपर से हमारा देखो घर कुछ इस तरह दिखता है। और भाई लोग देखो ये जो दिख रहा है ना, ये देखो घर के इधर लेफ्ट साइड में मतलब इधर, तो ये जो घर बना है ना, ये बड़े पापा का बेटे का बेटा है मतलब ना उनका घर है ना, तो जब बना उसके बाद तो मतलब घर के अंदर पानी जाने लगा इधर बगल से। तो देखो कुछ इस तरह से ऊपर का नजारा है, और देखो आप लोग
भाई और बहनों, आज के वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज भाई लोग कर देना यार। और भाई लोग देखो, हमारा घर ना इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा पुराना है, लगभग 30 साल से भी ज्यादा पुराना है यार। तो भाई लोग, अगर आपको लगता है कि हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम सपोर्ट के काबिल है, तो प्लीज भाई लोग सपोर्ट कर देना यार, प्लीज दोस्तों।